आज मैंने घर के पास से 1 किलो आम लिया था, उसी को मैं अभी वॉश कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद इसको मैं विंडो पर रख दूँगी सुखाने के लिए, फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैं सारी सब्ज़ी ऐसे ही धोकर थोड़ी देर के लिए सुखा कर फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि फ्रिज आपकी ज़्यादा दिन तक क्लीन रहे। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फ्रिज जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो आज मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी फिनिश हो गया और छोटे मोटे दो काम थे वही मैं कर रही हूँ अभी। अभी मैं इसको विंडो पर रख रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं जब ये सूख जाएगा तब मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। और अभी बज रहे 12:15, तो सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं और मेरा बेटा अभी थोड़ी स्पेलिंग लिख रहा है क्योंकि वो नींद से देर उठा था देरी पर 10 बजे, तो इसीलिए थोड़ी वो पढ़ाई कर रहा है। और आज की वेदर बहुत ही अच्छी थी, सुबह से लेकर दोपहर तक इसका वेदर बहुत अच्छी थी, क्लाउडी क्लाउडी वेदर। और किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है और जो ये सारे मैंने धोकर सुखाने के लिए यहाँ पर रख दी है, जब सूख जाएगा तो मैं इसको हटा दूँगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वेदर बहुत अच्छी है क्योंकि कल यहाँ पर कोलकाता में बहुत बारिश हुई थी और थोड़ी सी क्लाउडी क्लाउडी वेदर भी थी। तो आज की वीडियो मैं जिस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहती हूँ वो है कि मेरी चैनल पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेरे चैनल का नाम है सुष्मिता डेली लाइफ। अगर आप सुष्मिता डेली लाइफ सर्च करते हो तो मेरे चैनल यूट्यूब पे शो नहीं करता, क्योंकि मेरे चैनल का नाम जो है सुष्मिता डेली लाइफ, उस सुष्मिता का स्पेलिंग है SUSMITA apostrophe S, फिर डेली लाइफ। तो बंगाली में हम सुष्मिता को, मैं सुष्मिता की स्पेलिंग हम लिखते हैं SUSMITA, लेकिन जो नॉन बंगाली होते हैं तो वो भी नॉन बंगाली या जो भी जिसके जैसे जिसकी सोच है तो वो सुष्मिता की स्पेलिंग लिखते हैं SUSHMITA। तो इसीलिए जब भी सुष्मिता डेली लाइफ सर्च करने कोई जाता है तो सुष्मिता सेन की जो वीडियो है वो टाइमलाइन पे आ जाती है, पाइपलाइन पे आ जाती है। तो मैंने बहुत सारे मेरी जो जितने भी फ्रेंड्स हैं मैंने उसको बोला कि मैंने यूट्यूब पे चैनल खोला है उसको सर्च कर लेना, मैं चैनल का नाम सुष्मिता डेली लाइफ। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझको बोला कि तेरी चैनल तो सर्च में नहीं आ रही है। मैं जब भी सुष्मिता डेली लाइफ चैनल सर्च करने जाती हूँ तो सुष्मिता सेन की जो वीडियो है वो आ जाता है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मुझको तो दिखा रही है सुष्मिता डेली लाइफ करके। फिर मैंने ध्यान दिया कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने देखा कि स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है। जब भी मैं सुष्मिता डेली लाइफ सर्च करने जाती हूँ तो सुष्मिता सेन की जो वीडियो है वो आ जाती है, क्योंकि SUSH आ जाता है, वो कोई नहीं ध्यान दे रहा है, उस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए कि सबको मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं बता सकूं कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। तो SUSMITA apostrophe S डेली लाइफ, सुष्मिता डेली लाइफ अगर आप सर्च करोगे तभी मेरी चैनल शो करेगी, अदरवाइज नहीं शो करेगी। पता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कोई कुछ काम नहीं करती, पूरा दिन ऐसे ही बैठी हुई रहती हूँ और ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ। मेरा बेटा बात कर रहा है, पढ़ने बैठा है, और सबको ऐसे लगता है कि मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ और ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, मेरा तो कोई कुछ काम नहीं होता है, पूरा दिन फ़ोन को लेकर मैं बैठी रहती हूँ और फ़ोन देखती रहती हूँ या तो फिर मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो उस जो जो ये सोचता है मैं उसको बोलना चाहूँगी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, अगर मेरा कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है, अगर मैं कोई सारा दिन बैठी रहती तो मेरा काम कौन कर जाता है, मुझे तो मेरा काम खुद को ही करना पड़ता है। आप एक बात नोटिस किया होगा कि मैं सुबह के टाइम ज़्यादा लंबी ब्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्लिपिंग मैं शूट करती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती क्योंकि सुबह के टाइम मुझे बहुत जल्दी होती है। और एक बार मैं कैमरा को यहाँ पर सेट करूँ, यहाँ पर सेट करूँ तो वो पॉसिबल नहीं होता है मुझको, क्योंकि तभी बहुत जल्दी होती है। अभी तो बेटे का स्कूल छुट्टी है और 1 हफ्ते बाद उसका स्कूल स्टार्ट भी हो जाएगा, तब तो और भी जल्दी लगेगी,
क्योंकि हस्बैंड और बेटा एक साथ ही जर्नी के लिए निकलता है, बेटे को स्कूल बस तक छोड़कर फिर हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो दोनों को एक साथ ही निकलना होता है, तो तब तो बहुत जल्दी लगेगी। फिर उसके बाद जो काम होता है उसको फिनिश करने के बाद थोड़ी बहुत मुझे टाइम मिलता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि मैं इतना थक जाती हूँ कि कभी कभी मन में ऐसा करता है कि आज नहीं वीडियो बनाऊँगी, कल फिर बनाऊँगी। पहले तो बहुत ही जोश थी कि जब मैं नई नई स्टार्ट की थी यूट्यूब की चैनल, फिर जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे मेरा तो सब जोश निकलने लगा है, क्योंकि काम देखो मेरा बेटा भी पढ़ने बैठा है, मतलब तो लिख रहा है, तो वो 1-200 पर उसको लिखना स्पेलिंग लिखना आ गया है, तो वो वही लिख रहा है। सुबह पे 1-50 लिखा था, अभी उसके बाद से लिख रहा है, चलिए आपको लिखा था। और हाय बोलो, तुम की लिख रहा है कौन? 1-100 की स्पेलिंग। बाय बाय। पहले तो वो बहुत शरारत करता है, लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो वो बहुत मतलब मेरी बात मान रहा है अभी। तो पहले तो बहुत शरारत करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो थोड़ी शांत हो रहा है अभी। तो अभी थोड़ी बहुत बात सुनता भी है, और जब उसको बोलती हूँ कि अभी तो तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है तो वो पढ़ने भी बैठ जाता है। अभी तो कुछ काम नहीं है क्योंकि हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए, अभी से जब आ जाएंगे तब तो उसको चाय देना होगा, और अभी तो सिर्फ बेटा लिख रहा है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, और बीच बीच में मैं देख रही हूँ कि वो ठीक से लिख रहा है कि नहीं। हस्बैंड तो अभी नहीं आए अभी तक, तो अभी मेरा कुछ काम नहीं है, तो जब वो ऑफिस से आ जाएंगे तब उसको चाय देना होगा, और फिर मैं रात की खाने के लिए चावल चढ़ा दूँगी और रोटी भी बना लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं, अभी बना रही हूँ मैं उसके लिए चाय। हस्बैंड मेरे दूध वाली चाय पीते हैं, लिकर भी पीते हैं, लेकिन शाम के टाइम वो जब घर आता है ऑफिस से तब वो दूध वाली चाय पीते हैं। सुबह उस नींद से उठने के बाद वो पहले लिकर चाय पीते हैं फिर दूध वाली चाय पीते हैं। तो ये देखिए मैंने दूध को उबालने के रख दी थी और ये देखो फट चुकी है। तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि इसको ये साथ कुछ करने के लिए, क्योंकि इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, तो क्या करूँगी ये मेरी अगले ब्लॉग पर आपको देखने को मिलेगी। तो चाय मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, थोड़ी देर और इसको उबालूँगी, और देखिए कितना गहरा कलर आ गया है इसको। अभी बारी है सर्व करने की, तो इसको मैं सर्व करके आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और चाय मैं आज थोड़ी कम ही बनाई है क्योंकि गर्मी तो वैसे ही पड़ रही है, इसीलिए चलो अभी दिखा आती हूँ। यही बात आप सबसे शेयर करनी थी कि मेरे चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो स्पेलिंग की वजह से मेरे नाम की। और अगर आप मेरी चैनल को सर्च करोगे सुषमिता डेली लाइफ, तो प्लीज़ ध्यान से स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाएगी तो मेरे चैनल को तो शो नहीं करेगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो की टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर कर ली। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो, और आप कमेंट भी कर सकते हो मुझे कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी या बुरी, जो भी हो वो आप मुझे बता सकते हो, फिर ताकि मैं अपने आप को और मेरी वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।